ऑफ वडोदरा। पादरा स्थित आक्रोमा कंपनी द्वारा बायोगैस ना प्लांट नु उद्घाटन करवामां आव्यो हतो। आ प्रसंगे वाइस प्रेसिडेंट अंजनी प्रसाद, साइट डिरेक्टर कविश्वर कलांबे सहित गामना माजी सरपंच भूपेन्द्र सिंधा अने ग्रामजनों मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। बायोगेस प्लांटना उद्घाटन थता ग्रामजनों में खुशी व्यापी थी। तदुपरांत पादरा में आवेल औद्योगिक तालीम संस्था आईटीआई ना 10 विद्यार्थियों ने आक्रमकों वाइस प्रेसिडेंट अंजनी प्रसादे कंपनी द्वारा शिष्यवृत्ति आपवामां आवी हती। शिष्यवृत्ति तेमने तेमनो अभ्यास पूर्ण करवा अने कौशल्य विकसावा माटे सक्षम बनावशे, तेमने तेमनी भावि कारकिर्दी में आगळ वधारवामां मददरूप थशे। शिष्यवृत्ति कार्यक्रम जे 2023 में शुरू थयो हतो, आ उंभरायेला अने लूनाना युवानों ने आपवामां आवे हतो। समग्र कार्यक्रम ने सफल बनावा माटे आक्रोमा कंपनीना साइट डिरेक्टर कविश्वर कालंबेना मार्गदर्शन हेठळ कंपनी मैनेजमेंटनी टीमना आराधना सिंध सहित स्टाफ द्वारा खूब मेहनत करवामां आवी हती। आक्रोमा इंडिया हरदम अपनी सोसायटी को डेवलप करने में बहुत काम कर रही है। इंडिया में हर जगह पे आप देखेंगे, आज हमारी मर्जर हुई है, बड़ी कंपनी बनी है, तो हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंड्स भी हैं, तो हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो हम अपनी कंपनी में कर लेते हैं ये 17 सस्टेनेबल गोल्स के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को बाहर करनी पड़ती हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे सामने आया जहाँ हम लोग ने देखा कि स्टडी किया हमारी CSR टीम ने कि लोगों के पास तकलीफ है, औरतें जाके लकड़ियाँ जाके अपने घर चूल्हा जलाने के लिए करती हैं, उनको हेल्थ का भी प्रॉब्लम्स आता है बिकॉज़ वो चूल्हा जलता है उसमें है, प्लस टाइम जाता है इतना। तो ये हमने बायोगैस का एक इंस्टॉलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो करती हैं रोज़। और इसके अंदर सिर्फ गोबर का जो डंक्स रहता है उसको यूज़ करके गैस बन सकता है, उनके घर में चूल्हा जले और उनको बाहर लकड़ियाँ नहीं लेना पड़े, एनवायरमेंट भी बचे एक तरह से, और प्रोग्रेस हो ये गांव का, और उनके पास टाइम भी थोड़ा बच जाएगा अपने कामों को करने के लिए, जिससे वो लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आक्रोमा इंडिया ये सब चीज़ों में बहुत विश्वास करती है, लोगों की लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, सोशल लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, और जितना हो सकेगा आगे के लिए भी हम लोग प्रोजेक्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।